गरीब को जान लेगा उसको छोड़ेंगे और पैसा दे नहीं रहा है। बोला डेट पूरेगा तब ना, डेट पूरेगा तब ना, डेट हमको पूरा हुआ है। बोल रहा है देंगे देंगे, नहीं दे रहा है तुम क्या करोगे। दिन कहने के लिए डेट पूर गया हमको निकाल दिए तो कहा नहीं अभी नहीं निकलेगा पैसा, सो वहाँ कानूनी कार्रवाई हो रहा है, वहाँ से लड़ाई शांत होगा तभी पैसा निकलेगा। मिलेगा ना, मिलेगा ना, भरोसा देता है लेकिन मिलता है नहीं। वोट लेके चल जाता है, वोट जब लेना पड़ता है उसको ना तब आके कहता है हम ये करेंगे वो करेंगे और वोट जीत जाता है, उसके बाद अपना अपना चल जाता है घर। पासबुक ले गेलखिन से पैसा निकाल तो पहला पैसा के पासबुक ले गेलखिन तो पासबुक करना चाहते हैं। नीतीश बाबू के कहने चाहते हैं जो गरीब लोग के जो सहारा जो ले लिया उनको लौटा के हम पब्लिक को दीजिए। पटोरी में बिल्कुल थाना के सामने में लूट हो रहा है, प्रशासन को मतलब जो मिली जुली से। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत शामल, आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों आप सभी को याद होगा कि फरवरी 2022 में हमने पटोरी में ही आपको बताया था कि सहारा इंडिया 2015 में बंद हो चुका है, उसका लाइसेंस RBI के द्वारा रद्द कर दिया गया है और आपका पैसा अलग अलग सोसाइटी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया, जिसके बाद आपने देखा होगा कि पूरे देश के अंदर मैसेज आता है और पूरे देश में जो उनका सहारा इंडिया के नाम पे ब्रांच चल रहा था उनमें लोग पैसा जमा करना बंद कर देते हैं। लेकिन उसके बाद भी जमाकर्ताओं को अलग अलग आश्वासन दिया जाता है कि आपका पैसा 2 महीने में मिल जाएगा, 1 महीने में मिल जाएगा, लेकिन आज तकरीबन 9-10 महीने हो चुके हैं। तो आज हम पटोरी अनुमंडल क्षेत्र के धमोण में हैं और कोशिश करेंगे कि हर एरिया में जाएं और जहां के भी लोग हैं मैसेज करके बताएंगे आसपास क्षेत्र के, तो हम वहां आएंगे और आपकी बात सरकार तक पहुँचाएँगे कि आपने पैसा क्यों जमा किया था, क्या कह करके आपको पैसा लिया गया था और अब जब पैसा मांगने जा रहे हैं तो क्या कहा जा रहा है। तो अभी हम कुछ यहाँ पे जमा करता हैं जो कि आप देख सकते हैं इनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि इनका पैसा अगर सरकार या फिर सहारा इंडिया के द्वारा नहीं लौटाया जाए तो इनके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, इनसे खुद ही जानते हैं। सबसे पहले आपका क्या नाम हुआ ये बताइए। रोशन कुमार। क्या आपको कह करके पैसा लिया गया था और अभी कितना पैसा आपने जमा किया? हमको पैसा कह करके लिया गया जो पैसा आपको हम दे देंगे सहारा इंडिया में, सहारा इंडिया कह करके दूसरे का पैसा ले लिया। अच्छा। और पैसा का डेट पूर गया। हाँ। और पैसा दे नहीं रहा है, बोला डेट पूरेगा तब ना, डेट पूरेगा तब ना, डेट हमको पूरा हुआ है। हाँ, डेट आपका नहीं पूरा है? डेट पूर गया है। तो आप कहते क्यों नहीं डेट पूरा हो गया? हम बोले तो हमको बोलता है 25 में डेट पूरा होगा, 25 में डेट पूरा होगा। और आपको पैसा की जरूरत है? हमको पैसा की जरूरत है। हमको तो बोले हैं 16 साल के बाद 50,000 मिलेगा, 10,000 का 16 साल के बाद। हाँ, 16 साल के बाद। किस में पैसा जमा किए थे आप? LIC में, सहारा में। सहारा इंडिया में? सहारा इंडिया, देख लीजिए कागज। अब आप देख सकते हैं इतने लोग यहाँ पे खड़े हैं और सभी में किसी न किसी का पैसा अलग अलग जमा है। आपका क्या नाम हुआ? रामपरी। आपका कितना पैसा है? हमको भी थोड़ा बहुत होगा 5,000। तो क्या नहीं मिल रहा है पैसा? नहीं। क्या कह रहे हैं? कह रहा है जो मतलब मिलेगा, मिलेगा पूरेगा। कितने दिन से कहा? पूरेगा, डेढ़ तो मिलेगा, 2 साल से ऊपर से बोल रहे हैं। अरे वो तो हमको कहा जो आपको सवैया पैसा मिलेगा, जैसे एक जमा कीजिएगा तो आपको सवा मिलेगा पैसा। तो हम जमा किए तो बोल रहा था जो डेट पूर जाएगा तो पैसा आपको मिल जाएगा, तो डेट हमको 5,000 वाला के पूर गया है, 10,000 वाला के डेट नहीं पूरा है। तो डेट पूरेगा कह, जब गए दूसरा दिन कहने के लिए जो डेट पूर गया हमको निकाल दिए तो कहा नहीं अभी नहीं निकलेगा पैसा, सो वहाँ कानूनी कार्रवाई हो रहा है, वहाँ से लड़ाई शांत होगा तभी पैसा निकलेगा। 2012 में पैसा वापस करने का आदेश आ गया ना, तो हमको वो बात हमको नहीं बोले हैं। सरकार के कहते हैं इस पर निर्भर कीजिए, हमको गरीब लोग का पैसा वापस कर दीजिए, जो हमको से पैसा लिए हैं उनको जाके कहते हैं हमको सरकार से पैसा दिलवाइए, हम गरीब लोग हैं। हम ये पता चलता है आपका पैसा डूब गया तो क्या कीजिएगा? क्या जो जमा किए हैं उसको पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि आपको आप लोग अपना पेपर देखिए। हाँ, पेपर देखेंगे तो इंडिया का पेपर नहीं है वो। हाँ, आपको हमारा इंडिया का पेपर है, सहारा क्रेडिट का है। पढ़ल हम थोड़े हैं जो उसमें देखेंगे सहारा इंडिया को। हम तो बोला, हमको तो रंजू बोला है जिसमें सहारा इंडिया का पेपर है, सहारा इंडिया में हम जमा कर रहे हैं, हम ऑफिस देखेंगे, हम उससे जानकारी लेंगे अब ये कहाँ में है, चल के हमको पैसा दिलवाइए। पैसा 300 के जमा किए 5 साल ला। हाँ। 6 साल ला, वह साल भर कम होगा चाहे 6 महीना कम होगा सर। आ देखिए पैसा नहीं मिला, गरीब आदमी के पैसा डूब गया। जाते हैं सोच करके जमा किए थे, किस लिए किए थे जमा? जमा तो किए जो कुछ करेंगे लेकिन नहीं हुआ। अब जाते हैं सारा इंडिया के कहने के लिए तो कहता है कि जे अथी मिलेगा ना, मिलेगा ना, भरोसा देता है लेकिन मिलता है नहीं। कितना दिन से नहीं मिल रहा है? मिल न रहा है 5-6 साल से। मांग करते हैं जो हमको गरीब को पैसा है मिल जाना चाहिए। नाम बताइए अपना। हम रंजीत कुमार राय।
कितना पैसा है? 2 लाख रुपया। किसमें जमा किए थे? सहारा इंडिया में। और क्या अभी कितना पैसा है? 2 लाख में कितना पैसा दिया है और नहीं दिया है वो बताइए। 1 भी रुपया नहीं दिया। और जाते थे ऑफिस, ऑफिस वाला बोल रहा था एजेंट को पकड़िए। एजेंट को यहाँ गए थे, एजेंट अपना घर लेकर चला गया समस्तीपुर। कौन एजेंट? भूषण। अच्छा। हाँ, वो बाबुल है, ये पर्ती पर के है, वो है तो जिंदल कंपनी में पापा रहते हैं, वहीं पे जमा करता था। उनको है 1.5 लाख रुपया, 50,000 मेरा है। तो क्या फिक्स पूरा हुआ है? वो क्या लगता है पैसा क्या हुआ? पैसा तो जो आप सब निदान किए थे उस पर अनुभव है जो ना मिलेगा पहले बार, लेकिन अब अंदाज है जो सरकार से गुजारिश है जो हम लड़ाई अपना आगे बढ़ाएंगे। लड़ाई बढ़ा के अगर 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 पैसा नहीं देता है, प्रशासन को देख रहे हैं कार्रवाई नहीं कर रहा है, ऐसे में क्या उपाय है आपके पास? उपाय तो ना है कुछ। कोई नेता आपके लिए क्यों नहीं बोल रहा है? कहाँ कोई बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। जिसको वोट देते हैं वो क्यों नहीं बोल रहा है? नहीं बोल रहा है, वोट लेके चल जाता है। वोट जब लेना पड़ता है उसको ना, तब आके कहता है जो हम ये करेंगे वो करेंगे, और वोट ले जीत जाता है, उसके बाद अपना अपना चल जाता है घर। ऐसे नेता से आपके जो MP हैं, MLA हैं, मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे क्या क्या कहना? ना पहले कहेंगे जो मेरा समस्या का समाधान कीजिए, उसके बाद आपको जो होगा आगे वोट दिया जाएगा, चाहे आपको पास रहेंगे। 1 खाल 20,000, 1 खाल 10,000, 1 के 6 साल पूर गिल, 1 के 6 साल पूर गिल, 1 के 6 साल पूर जतई 22 मार्च के पूरते। पैसा नहीं मिल रहा है ना? आ पासबुक ले गेलखिन से पैसा निकलतो, पहले पैसा के पासबुक ले गेलखिन त पासबुक न देलखिन। तो अब क्या कह रहे हैं, कैसे मिलेगा पैसा? डेट पुरतै तब, डेट पुरतै तब। डेट नहीं पूरा हुआ? डेट पुर गया था, वहाँ का अच्छे से कंप्लेन कर ले, वहाँ से छुट्टी हो तो बैंक से तो पैसा दे। किसमें पैसा जमा किए थे? 1 खाल 20,000। कौन सा? सहारा में। सहारा इंडिया। हाँ, रंजीत। 1 खाल 600 के, 1 खाल 500। अभी भी जमा कर रहे हैं कि नहीं जमा कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? छोड़ दिया कुछ दिन पहले, तो चुपे चापी हमरा से पैसा जो चुपे चाप कया दोसर में जमा कर दिया। अच्छा। आ तक बाद फिर रंजू कह से छोड़ कर ओकरा से आए में फिर दोसर पॉलिटिक मार दिया। अच्छा। तो अभी पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं, कहा से 6 साल में मिलेगा। 6 साल में? हाँ। आपका क्या नाम है? संजय देवी नाम है। अच्छा। 10,000 रुपया फीस किए सहारा में। हाँ। 5,000 किए तो कहल की कीजिए, फिर इसको टाइम पूर गया तो निकाल को फीस कीजिए, तो फीस कर दिए। तैयो टाइम पूर गया, अब सोचना है जो सुने जो हल्ला हो गया जो पैसा लेकर भाग गए, तो हम मांगे तो कह की अखनी वहाँ फैसला हुआ तय आएगा से हुआ। फिर एक ठिया आर है 10,000, वो नहीं है, वो है सहारे में। एजेंट दो है ना, कंप्लेन नहीं किया है, नहीं ना देवे के विचार होगा तब करेंगे, काहे नहीं करेंगे? गरीब को जान लेगा उसको छोड़ेंगे काहे? सही बात, करबे करेंगे। मेहनत का पैसा है? हाँ, हम बहुत मेहनत का पैसा तो नहीं हम करेंगे। मुझे कहता है फैसला पड़ेगा तो उतरिएगा सड़क पे। हाँ, तो उतरेंगे नहीं, हमको जीवन जाएगा उसको छोड़ेंगे। सब अपना अपना ले तो सब ना मरता है। बिल्कुल। सहारा इंडिया में जमा किए थे। अच्छा जी। उसके बाद कई बार एजेंट से हम बात किए, एजेंट हमको आज करीबन 5 साल से हमको दौड़ा रहा है, आज देंगे कल देंगे, अब कहता है जो कंपनी ये बंद हो गया तो हम कहाँ से देंगे हम, जबकि आज तक हमको पैसा नहीं दे रहा है। मेरी माँ का मृत्यु हो गया है, हम लोग मांग करते हैं, हमको परिस्थिति बहुत ख़राब है, कर्ज लेकर माँ को भोज भात किए सब चीज़, लेकिन अभी तक नहीं दे पा रहा है। जो है हमारा एजेंट है शशि भूषण झा, वो हमारा कॉल रिसीव भी नहीं करता है। सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से यही चाहते हैं जो प्राइम मिनिस्टर जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनसे मांग करते हैं जो हम लोगों को पैसा उपलब्ध करावे। एगो हमारा ही नहीं, भारत में बहुत तरह के लोग हैं, गरीब परिवार के लोग, उनका भी पैसा फंसा हुआ है, उनको पैसा दिलाने का कष्ट करें। आइए, जुमलाबाजी नहीं चलना चाहिए भारत सरकार के तरफ से, क्योंकि उनका भी हाथ है इसमें। और जो है जो हम प्रधानमंत्री से मांग करते हैं जो उनको पैसा, जो भी है गरीब आदमी, उनको पैसा दिलाने का कष्ट करेगी। कौन से कंपनी में जमा किए थे? सहारा में। क्या बोल के जमा किया गया था? 2 बार मिल जाएगा 3 साल में डबल करके। हाँ। आज तक नहीं मिल रहा है, 2-3 साल पूर गया है तब भी पर नहीं मिल रहा है। अभी भी जमा कर रहे हैं? नहीं। क्यों नहीं जमा कर रहे हैं आप? सब तरह हल्ला हो गया इसलिए हम नहीं कर रहे हैं, फर्जी चल रहा था। अच्छा, तो क्या आपको लगता है किसके सामने चल रहा था ये, जब बंद हो गया था किसके सामने चल रहा था? सब सरकार चला रहा था। सरकार से क्या कहना चाहते हैं?
सब गरीब को पैसा वापस करे। चकमा दिया है एजेंट लोग, और एजेंट लोग मतलब जो सहारे वाले से मिलजुल करके ऐसा किया है, देखी हम लोग को साथ ये गलत किया है, देखी मिली जुली करके देखी, और हम लोग मतलब जो पैसे के लिए अब एक एक रुपया हम लोग जमा करके और मतलब जो बच्चे को शादी विवाह के लिए हम लोग पैसे रखें, लेकिन ये पैसा हम लोग को आज तक पैसा वापस नहीं आया है। देखिए सरकार से क्या कहना चाहते हैं? सरकार से कहना चाहते हैं इसकी कड़ी से कड़ी उस पर मतलब नज़र दे करके और हम लोग को पैसा पेमेंट सरकार दिलवावे हैं। देखिए तो FIR क्यों नहीं हो रहा है, कार्रवाई तो कर नहीं रहा प्रशासन, कोई पर अब वहाँ देख रहे हैं कि देखिए पटोरी में बिल्कुल थाना के सामने में लूट हो रहा है, प्रशासन को मतलब जो मिली जुली से और वहाँ पर मतलब जो लूट रहे हैं, प्रशासन लूटवा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं मतलब जो प्रशासन लुटवा रहे हैं और लूटने वाले बैठ के लूट रहे हैं। हम लोग मतलब वहाँ पर मतलब जो कैंप गिराए, हम लोग मतलब जो धरना दिए, फिर भी आज तक हम लोग को मतलब जो कोई सुनवाई मतलब जो नहीं हुआ है। देखिए